हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक चलेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, केवल एल्डिहाइड को बनाने के मेथड देखेंगे। इसमें भी हम पहला देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में पहला देखेंगे हम नेम रिएक्शन जो यहाँ आता है वो है आपका रोजनमुंड। क्या बोला मैंने? रोजनमुंड, रोजनमुंड। ठीक है, रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, ये एल्डिहाइड बनाने का एक इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, देखो अभी तक हमने लिया था जैसे एल्डिहाइड बनाया था, तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? RCHO, ये बनाना है हमें। देखो यहाँ याद रखना आपको, यहाँ पे इस एच को हटाना है और इसकी जगह क्या लगाना है? सीएल। अपन इससे बनाएगा, ठीक है, तो दिस इज द RCOCl। ठीक है, इससे बनाना है, RCOCl से। तो ये क्या है, अपन ने सपोज RCOCl लिखा, RCOCl, तो ये तो एसिड हो गया, क्लोराइड हो गया, तो मैं इसको क्या कह रहा था? एसिड क्लोराइड। क्या कहा मैंने? एसिड क्लोराइड। इसका आपको क्या करना है? इसका आपको रिडक्शन करना है, तो मैंने इस पे ऐसा लिख रहा हूं, और किसकी प्रेजेंस में? यहां पे पीडी एज अ कैटलिस्ट होता है, दिस इज द कैटलिस्ट, पीडी इज अ कैटलिस्ट, और BaSO4 बेरियम सल्फेट इसके क्या हो? सपोर्टिंग के लिए अपन यूज करते हैं, बेरियम सल्फेट को सपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं, और वाटर बुक को आपको यहाँ पे सल्फर भी लिखा रहता है। ठीक है, ये सल्फर, इसका अभी मैं आपको यूज बता रहा हूँ, ये सल्फर क्यों लिखा रहता है मॉडर्न बुक्स में। तो क्या होगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। इस सीएल को कौन रिप्लेस कर देगा? सीएल इज रिप्लेस बाय एच, तो ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। क्या बना? ये एल्डिहाइड। एंड प्लस यहां से क्या निकल जाएगा आपका? HCl यहां से बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या निकल जाएगा? यहां से बाहर निकल जाएगा। देखो अब यहां पे ये जो सल्फर या सल्फर की जगह क्विनोलाइन भी यूज लिखा है, कहीं पे क्या लिखा था? क्विनो, QUIONIAN, क्विनोलाइन भी लिखा रहता है। इसका मतलब यह है कि ये एल्डिहाइड फर्दर एल्कोहल में रिड्यूस हो सकता है। तो ये सल्फर और जो क्विनोलाइन आप यहाँ यूज करते हो, ये क्या करेगा? इसका फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकता है, मतलब इसको एल्डिहाइड से एल्कोहल नहीं बनने देता, क्योंकि एल्डिहाइड फास्टली रिड्यूस होते हैं किसमें? एल्कोहल में। कोई आपको पूछेगा इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इस क्विनोलाइन या सल्फर लिखने का मतलब है ये इस एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन रोकेगा। अब इस आर इक्वल टू आप CH3 रखो, इस आर की जगह आप क्या रखो? CH3 रखो। तो अगर मैंने आर की जगह CH3 रखा, आर इक्वल टू CH3 रखा, तो ये क्या हो जाएगा? CH3, CO और CL। मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम था जैसे CH3 एंड CHO, इसका नाम क्या था? CH3CHO का एसिटाल्डिहाइड, ये तो था CH3CHO का नाम क्या? एसिटाल्डिहाइड। आपको देखो CH3CACL, तो ये एसिटिल क्लोराइड क्या हो जाएगा? एसिटिल, ACETYL, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, जैसे CH3COH का नाम एसिटिक एसिड कहते हैं, ऐसे ही बात करते हैं, कॉमन नेम क्या है? एसिटिल क्लोराइड। अगर आपको IPSC पूछे तो 1, 2, तो क्या हो जाएगा? देखो IPSC पूछे तो जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन को क्या कहते हैं? ऑलवेज 1, तो 1, 2, तो क्या हो जाएगा? दो कार्बन के इथ प्लस एन प्लस ओइल, इसको कहते हैं ओइल एंड क्लोराइड। ये वाला ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ एंड CL। अगर आप देखोगे दिस इज द दिस फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? इथेनोइल, इथेनोइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइल क्लोराइड। मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या क्या आपने, इसका अगेन आपने रिडक्शन किया, क्या क्या रिडक्शन, किसकी प्रेजेंस में? पैलेडियम। पैलेडियम क्या है? इसका मेन कैटलिस्ट इज द पैलेडियम, BSO4 इज द सपोर्टिंग कैटलिस्ट। तो पीडी एंड BSO4 बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में आपने इसका क्या कर दिया? अगेन रिडक्शन कर दिया, तो यहां क्या आ जाएगा? CH3 C3 डबल बॉन्ड ओ एंड एच। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। एंड प्लस यहां से क्या निकल जाएगा? HCl। प्लस क्या निकल जाएगा? HCl। नेक्स्ट देखो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अगर सपोज आपको ये बनाना है क्वेश्चन में, टारगेट ये है, ये टारगेट है बेंजल्डिहाइड, दिस ये आपका टारगेट है CHO बनाना, दिस इज अ बेंजल्डिहाइड, दिस इज अ बेंजल्डिहाइड। ट्रिक्स आपके दिमाग में क्या चलनी चाहिए? ट्रिक्स आपके दिमाग में इतनी चलनी चाहिए, इसको आप कैसे बना सकते हो? इसको कैसे बना सकते हो? यहां पे आप ऐसे ही कंपाउंड ले लो, यहाँ पे C पे डबल बॉन्ड हो और इस H के जो CL, तो इसका नाम क्या हो जाता है? बेंजोइल क्लोराइड, C6
H5COCl इसको कहते हैं बेंजोइल, इतने पोर्शन को कहते हैं बेंजोइल, C6H5CO को। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। नेम क्या हो जाएगा, बेंजोइल BENZOIL, नेम क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। मेरे ख्याल में जो बनना यही है, तो रिएक्शन सेम होगी, रिएक्शन सेम होगी, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड बना दिया आपने या नॉन एलिफेटिक वाला, तो पैलेडियम एंड BASO4, और ये आपको क्या दे देगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज द रोजनमुंड रिएक्शन। आपको सिर्फ रोजनमुंड में इतना याद रखना है कि क्या रोजनमुंड में आपने क्या लेना है, एक COCl वाला, एक क्या लेना है, COCl वाला डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, उस COCl वाले डेरिवेटिव पे आप क्या करोगे, पैलेडियम एंड BASO4 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में उसका क्या करोगे, रिडक्शन। तो वो क्या देगा आपको, एल्डिहाइड। एथेनॉइल क्लोराइड का क्या दिया आपको, एसिटाल्डिहाइड, और बेंजोइल क्लोराइड आपको क्या दिया, बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट देखते हैं स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, इसे याद कर दे, ट्रिक्स कुछ नहीं है, PdBSO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, इसका रिडक्शन करेंगे तो ये आपको क्या देगा, ये आपको क्या देगा, बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास स्टीफन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, स्टीफन, स्टीफन से भी एल्डिहाइड बनता है। नेक्स्ट क्या है, स्टीफन रिएक्शन, STEPHENS, स्टीफन रिडक्शन। क्या, स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, तो क्या होगा स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, देखो ये बहुत इजी है आपको याद करने के लिए। रिडक्शन मतलब रिड्यूस तो होना ही होना है। देखो क्या होता है, इसमें आपने एल्काइल साइनाइड लेना है, ठीक है, एल्काइल साइनाइड, और एल्काइल साइनाइड पे आपने क्या लेना है, कोई RCN लेना है, और इस पे किसकी रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस पे, स्टेनस क्लोराइड SnCl2 और HCl का मिक्सचर, और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, स्टेनस क्लोराइड एंड HCl की प्रेजेंस में। जब आप इसको रिड्यूस करने जाएंगे तो ये आपको पहले यहाँ पे तो एक डेरिवेटिव देगा, उसका फर्दर हाइड्रो, तो देखो इमाइन तो बनना ही है, ट्रिपल बॉन्ड है, RC ट्रिपल बॉन्ड एन है, तो 100% IMINE वाला तो बनेगा ही बनेगा यहाँ पे, ठीक है, डबल बॉन्डेड वाला, तो उसे कहते हैं इमाइन, और या एल है तो होता है एल्डिमाइन, एल्ड इमाइन। अब इसका फर्दर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो आपको क्या देगा, एल्डिहाइड। ये इसकी प्रोसेस है याद रखने के लिए, शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, SnCl और HCl की प्रेजेंस, SnHCl स्टेनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस, और ड्राई इसका मिक्सचर, स्टेनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर किसकी प्रेजेंस में, ड्राई इथर की प्रेजेंस में। जब आप इसको रिड्यूस करने जाएंगे तो इमाइन से मैंने बोला एल्डामाइन, और क्या देगा आपको, एल्डिहाइड देगा। ठीक है, ये नॉर्मल से आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो देखो जैसा क्या है, मैंने ले लिया CH3CN, क्या लिया, देखो CH3CN लिया मैंने, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं रिड्यूस करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, इसकी प्रेजेंस में, किसकी, ड्राई ईथर, ये मिक्सचर जो लिखा हुआ मैंने यार, स्टेनस क्लोराइड एंड HCl की प्रेजेंस एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, इसको क्या करने गया मैं, रिड्यूस करने गया, इसका रिडक्शन करने गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्वाइस एच, तो ये आपको क्या देगा, देखो ये RCH डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, CH3CH डबल बॉन्ड NH। देखो मैं आपको मैकेनिज्म नहीं करा रहा हूँ, लोन पेयर है, प्रोटॉन ऑब्स्टैकल, ये कुछ नहीं, ये मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ। इसका नाम क्या है, देखो एक और दो इथेनाइट्राइड, इसका नाम क्या है, इथेनाइट्राइड, IBC नेम, तो क्या है कॉमन नेम, अगर आपको बोले CN तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल और CH3CN, ये है ना CH3CN, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल साइनाइड, क्या हो जाएगा, मिथाइल साइनाइड। IBC नेम में बच्चे इसके गच्चा खाते हैं, जब इसका IBC नेम लिखते हैं तो बच्चे गच्चा खाते हैं, आपको गच्चा नहीं खाना है। ठीक है, CH3CN का नाम क्या हो जाएगा, 1 2, IBC क्या हो जाएगा, इथ, इथ प्लस एन, इथेन प्लस नाइट्राइल, तो क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल। देखो CN को सफिक्स में क्या कहते हैं, शानु, और प्रीफिक्स में नाइट्राइल, आपको याद, ये भी प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स में शानु और सफिक्स में क्या कहते हैं, नाइट्राइल। देखो ये थोड़ा आपको याद रखना है, जो 11th की टेबल है ना NCERT, उसे निकाल के एक बार याद करना शुरू करो, क्योंकि मेमोरी में वो चीज आपकी रहने ऑर्गेनिक के बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमने क्या यूज किया, क्या यूज किया यहाँ, सफिक्स, क्या यूज किया, सफिक्स, तो अपन ने इसको क्या कहा, इथेनाइट्राइल। तो यहाँ पे देखो ये CH2 डबल बॉन्ड NH होता है, इसे इमाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, इमाइन। अब ये क्या हो गया,
एल्डिहाइड टाइप है ना, CH3CHO, ठीक है। तो वहां से आपको थोड़ा याद रखना ये एल्डिमाइन को क्या कहते हैं, एल्डिमाइन। अब इसका क्या करना है फर्दर, आपको इसका आपको फर्दर हाइड्रोलिसिस के लिए जाना है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करने जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो हाइड्रोलिसिस करने गया, यहाँ ओ और यहाँ एस, तो क्या हो जाएगा CH3 सी पे डबल बॉन्ड ओ और एच, तो ये तो बन गया एसिटल डिहाइड। कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटल डिहाइड। और प्लस क्या निकल जाएगा यहां से, NH3। इसका देखो IPC नेम पूछेगा तो 1 और 2, टू को क्या कहते हैं, टू को क्या कहते हैं, इथ प्लस एन एंड प्लस अल, क्योंकि CHO को क्या कहते हैं, अल और फॉर्माइल सफिक्स यूज किया हमने, C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड जब होता है, जब ये सफिक्स में होता है। देखो एक होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स एक होता है सफिक्स, ठीक है। सफिक्स में एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, फॉर्माइल, और सफिक्स में क्या कहते हैं, अल। तो अपन ने क्या यूज किया, खत्म हो रहा है चेन में अल, ठीक है। IPSC का प्रीवियस ईयर की वीडियो देखो मेरी, वहां है प्रीवियस वीडियो। तो ये क्या इथ प्लस एन प्लस अल, तो इथेनल, ई कटेगा यस, ये ई से शुरू हुआ, तो नेम क्या हो जाएगा, इथेनल। ऐसे आप इसका एरोमेटिक्स वाले का भी कर सकते हैं, कैसे, नेक्स्ट देखो सपोज ये है क्या आपके पास बेंजीन नाइट्राइल, क्या है बेंजीन नाइट्राइल ये, ठीक है। आपको इसका रिडक्शन करने के लिए बोला, यही क्या स्टीफन रिडक्शन, तो क्या करेंगे आप H2 सेम वही, कुछ नहीं करना बेटा आपको, सिर्फ आपको थोड़ा सा चीजें याद रखनी है, क्या स्टेनस क्लोराइड SnCl2 एंड HCl, एंड किसकी प्रेजेंस है, ड्राई ईथर की, किसकी, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो ये आपको क्या देगा, ये तो सबसे पहले आपको पता है सर हम बना देंगे, ये क्या, दिस इज द बेंजीन नाइट्राइल, अगर बोलेंगे बेंजीन, सियानोबेंजीन क्या कह सकते हो आप इसे, सियानोबेंजीन ये भी कह सकते हो, ओके आपकी मर्जी है, सियानोबेंजीन, ठीक है। और क्या हो जाएगा देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहले तो इसका डेरिवेटिव CH डबल बॉन्ड NH, तो दिस इज द क्या, दिस द बोलो बेन BENZE बेंजीन, BENZE एल्डिमाइन, बेंजीन एल्डिमाइन, इमाइन के, तो बेंजल से हमने क्या किया, बेंजीन एल्डिमाइन, ये याद रखना बेंजल डिहाइड टाइप का हो रहा है, तो इसलिए यहां तक तो सेम लिखा बेंजल डिमाइन, बेंजल डिमाइन। इसका हाइड्रोलिसिस करो, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या देगा ये आपको, कहीं पे ऐसा लिखा हो सकता है, कहीं पे ऐसा लिखा H पॉजिटिव एंड H2O, ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, H पॉजिटिव एंड H2O, पहले इसको देखते हैं। तो ये यहाँ पे क्या कर देगा, ओ यहाँ और इसके साथ ये यहाँ, तो क्या बनेगा बेंजल डिहाइड, क्या बनेगा यहाँ पे बेंजल डिहाइड, मतलब बेंजल डिहाइड एंड प्लस NH3। यहाँ देखो ये H2 और H पॉजिटिव लिखने का मतलब क्या है, देखो ये ऑक्सीजन ऐसा है, ठीक है, तो इस पे क्या होंगे, इसके पक्का दो लोन पेयर होंगे, ठीक है, एक लोन पेयर मतलब यहाँ से प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, लोन पेयर एक्स्ट्रा पेयर होते हैं, लोन पेयर क्या होता है एक्स्ट्रा पेयर, और एक्स्ट्रा पेयर का काम क्या, प्रोटोन को अपनी ओर खींचना, तो इसके प्रोटोन को गरीब को अपनी ओर खींचे एसिड को, तो अब ये क्या है OH HNH, और इस पे ये लोन पेयर और ये पॉजिटिव, तो ये तो है H3O पॉजिटिव, तभी तो वो लिखा हुआ है, ये लिखा हो ये लिखा हो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ये क्या देगा आपको, क्या देगा बेंजल डिहाइड, ठीक है। तो आज हमने दो रिएक्शन पढ़ी है, पहला क्या पढ़ा है, पहले में हमने क्या बोला, हमने बोला सर पहले मैंने बोला कि पहले कि हमने बोला रोजनमुंड, सर आपने रोजनमुंड में यही कहा कि हमने RCOCl वाले को डायरेक्टली क्या बनाया है, RCOCl को बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट किया, सर आपने बोला आपने वहाँ क्या यूज़ किया, सर आपने वहाँ पैलेडियम और BSO4 का यूज़ किया था, सर आपने वो उसमें एक क्विनोलाइन लिखा था, सर क्यों लिखा था, सर आपने बोला था बेंजल डिहाइड ईजिली एल्डिहाइड दे सकता है, सर ओके सर, तो आपने कह दिया सर अगर हम सल्फर या क्विनोलाइन PDBSO4 के मिक्सर के साथ डाल देंगे तो सर ये इसका फर्दर एल्डिहाइड को फर्दर एल्कोहल में ऑक्सीडाइज होने से रोकेगा, यस सर। पूछ सकते हैं इसमें क्विनोलाइन या सल्फर क्यों यूज़ करते हैं PDBSO4 के सॉल्यूशन के साथ, तो सर PD तो कैटलिस्ट है, BSO4 इसके साथ सपोर्टिंग कैटलिस्ट है, सर जो आप ये सल्फर यूज़ कर रहे हैं या क्विनोलाइन यूज़ कर रहे हैं ये क्या करेगा, इसका फर्दर रिडक्शन होगा। नेक्स्ट हमने पूछा रोजनमुंड रिएक्शन,
सर आपने रोजनमुंड में हमें अभी तो सिखाया सर, सर आपने स्टेनस क्लोराइड एंड HCl को ड्राई ईथर के साथ लिया सर और वहाँ भी रिडक्शन किया। अरे किसका रिडक्शन किया? एल्काइल साइनाइड। किसका? एल्काइल साइनाइड या एल्काइल नाइट्राइल का। एक बीच में एक एल्डामाइन क्या बना, डेरिवेटिव बना, बाद में उस एल्डामाइन का आपने क्या किया सर, हाइड्रोलिसिस किया। तो ये हाइड्रोलिसिस तो हमारा पिछली यूनिट का भी आ रहा है, ठीक है, इतना आपको हो जाएगा। सपोज एक ऐसा दे रखा है CH3 CH पे डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे है CH2 CH2 एंड CN। मेरी ख्याल में जो डाइबल एच दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डाइबल एच। आपको इसके नाम से नहीं मतलब, बस पेपर में डाइबल एच लिखा है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम लिथियम हाइड्राइड। आपको उसके सिर्फ नाम से मतलब रखना है, स्ट्रक्चर से नहीं, बस ये रिड्यूसिंग एजेंट है और नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस दिया है। मेरे ख्याल में जो डबल बॉन्ड को तो छेड़ेगा ही नहीं, इसको रिड्यूस करेगा सी डबल बॉन्ड OH में, इस पार्ट को तो नो रिड्यूस करेगा, इसको मैं आर लिख रहा हूँ, आर को तो ऐसे ही छोड़ेगा और ये सी एन को किस में कन्वर्ट कर देगा, सी डबल बॉन्ड OH में, एल्डिहाइड में। ये लो टेम्परेचर पे लिया रहेगा, किसमें? लो टेम्परेचर पे लिया रहेगा, ठीक है। तो जब भी आपको ये दिया रहेगा डाइबल एच, तो डाइबल एच का काम क्या होगा, इसको रिड्यूस करना, किसको? एल्काइल साइनाइड को, ठीक है, साइनाइड ग्रुप को, शानों को किसमें रिड्यूस करना, C डबल बॉन्ड OH में, एल्डिहाइड में, ठीक है। याद रखना लो टेम्परेचर पे डाइबल एच डबल बॉन्ड भी है, सी एन भी है, तो सी एन पे रिएक्ट करेगा, डबल बॉन्ड पे रिएक्ट नहीं करेगा। एक जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन ये बार बार पूछ रहे हैं एग्जाम में इसी पे, चलो ये छोड़ो, यहाँ पे ये था, क्या था, अच्छा ये था, ये ऐसा सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे क्या है, सी पे डबल बॉन्ड हो OC2H5 NaBH4 के साथ रिएक्शन है, NaBH4 के साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो NaBH4 किसको रिड्यूस करेगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।